प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले किसानों ने जल सत्याग्रह किया। किसानों का कहना है कि केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास होने जा रहा है, लेकिन विस्थापित किसानों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। छतरपुर में अगले महीने की 5 तारीख को पीएम मोदी केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन इसके डूब क्षेत्र के गांवों के ग्रामीणों का विरोध एक बार फिर से शुरू हो गया। पीड़ित किसानों ने आप पार्टी के नेता अमित भटनागर के साथ बिजावर के तालाब में जल सत्याग्रह किया। तहसीलदार मौके पर पहुंचे और पीड़ित किसानों का ज्ञापन लिया, तब जल सत्याग्रह समाप्त हुआ। किसानों का आरोप है कि शिलान्यास की तारीख नजदीक आ गई, लेकिन विस्थापित किसानों को कितना मुआवजा मिलेगा इसकी जानकारी ग्रामीणों को नहीं है। वहीं आप पार्टी के नेता का आरोप है कि अभी तक प्रशासन ने आदिवासियों के गांवों का कोई सर्वे तक नहीं किया, जिससे हजारों आदिवासियों के जमीन पर संकट खड़ा हो गया है। इससे आया है कि भाई साहब हमारा जो है बेतवा नदी का बांध बनता है, उसकी हमारी कोई सुनाई नहीं है, ना कोई सुनता है। बांध की तो तैयारी हो चुकी है, और जहाँ तैयारी नहीं करी किसी ने कि इसका कितना बजट देना, कितना घर का देना, कितना मकान का देना। हमारे 10 साल के बच्चों को तो पहले व्यवस्था चाहिए हमको, 15 साल के बच्चों को चाहिए, 18 साल की लड़की को चाहिए, 18 साल के बच्चा चाहिए। किसी का कोई सुनाई नहीं है हमारी, कोई नहीं सुन रहा है। हम इतने लड़ रहे, कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी, कोई ना सुनाई। बेटा ये कर रहे बांध बांधो, हम बांधना ना बांधना देंगे। वो हमारी मांग तो जहाँ के बांध बनेगा, हमको 50 लाख रुपए की मांग है हमारी, 5 एकड़ जमीन की मांग है। आप ना देगा तो हम बूढ़ में बंद करके मर जाएंगे। केन बेतवा लिंक परियोजना, जिसका प्रधानमंत्री जी अभी लोकार्पण करने को आतुर हैं, इस परियोजना में 22 गाँव आ रहे हैं, जिसमें 15 गाँव जो है वो छतरपुर जिले के हैं और 7 गांव पन्ना जिले के हैं। इस पूरी परियोजना में हजारों परिवार के जीवन पे संकट खड़ा हो रहा है, जिसमें ज़्यादातर परिवार आदिवासी परिवार हैं। मोदी जी जिन आदिवासियों के सम्मान की बात करते हैं, वो पूरी तरह से आदिवासी पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और ये लगातार कानून के पालन की बात कह रहे हैं, ना इनका सर्वे हुआ है, ना इनका इनको पता है कि कहाँ इनका विस्थापन किया जाना है, ना इनका R&R जहाँ इनको बसना है वो इस पर कुछ बताया नहीं गया है। और सब कानून का नाम तो पारदर्शिता है, लेकिन पूरे कानून में अपारदर्शिता बरती जा रही है, जिसे लेके ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। मेरा प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि वो पहले ग्रामीणों की मांग को सुने और उनकी जो भी जायज मांगे हैं उन पर विचार करें, उनको माने, उसके बाद इस प्रक्रिया के साथ कानून का पालन करते हुए ही इस परियोजना को आगे बढ़ाएं। यदि प्रधानमंत्री ही जनता की भावनाओं का पालन नहीं करेंगे, कानून का ही पालन नहीं करेंगे, अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं का ही पालन नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी इसका केस चल रहा है, इस पर भी विचार करें, और उसके तहत जो ये कानून कहता है इस कानून का पालन करते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, और यही हमारी उनसे अपील है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।